मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसके ऊपर कभी स्टडी करोगे ना, तो इसी के कारण से भारतवर्ष की जो आने वाले 20 से 25 साल में जो भयंकर दुर्गति होने वाली है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह न्यूक्लियर फैमिलीज ही बनेंगी। ये तो आपने बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ एक इससे ही मिलता जुलता एक सवाल ये भी है, जैसे मैं अभी भी उसी बात पे हूँ कि जैसे कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज, आए दिन हम कभी कभी सुनते हैं कि लड़की अपनी बात भावनाएं कह नहीं पाई शादी के बाद, उसको जला के मार दिया ससुराल वालों ने, या बहुत परेशान किया जिसकी वजह से उसने कुछ कर दिया ऐसे ससुराल वालों के साथ, और ये कहती कि मैं तो सालों से भरी पड़ी थी, दबी थी, मुझे तो इतना परेशान कर दिया। तो ये उन शायद उनके पेरेंट्स को भी समझ में, लड़कियों को ही करने पड़ते हैं, नहीं ये मैं सारे तो नहीं कहूंगी लेकिन बहुत सारे वहाँ कि जैसे कहा जाता है, मैंने वो एग्जांपल भी दिया कि लोगों का था कि तुम आगे फैमिली में जा रहे हो, अब तो तुम्हारा फैमिली तुम्हारी वही है तो तुमको वही देखना है, तो आए दिन हमें अक्सर ये खबर भी सुनने को मिल जाती है। तो वहां पर भी तो बैलेंस होना चाहिए कि पेरेंट्स को समझना चाहिए अगर लड़की शादी के बाद किसी और के घर गई हुई है, वहां परेशानी है, तो उनको वहां सपोर्ट करना चाहिए या इतनी फ्रीडम उनको देनी चाहिए कि लड़की शादी के बाद भी वहां कुछ हो रहा है तो वो शेयर कर सके। देखिए ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ लड़कियों को करना पड़ता है, लड़कों को भी करना पड़ता है। लड़के इवन ज़्यादा फ्रीडम में होते हैं शादी से पहले, जब शादी हो जाती है तो उनको अचानक से ही पता लगता है। देखो मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा, पर अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, और फैमिलीज का भी प्रेशर रहता है कि भाई अब तुझे, बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि लड़का कुछ कर नहीं रहा तो उसकी शादी कर देते हैं कि अब तो तू जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो मुझे लगता है कि जो जीवन परिवर्तित होता है वो दोनों का होता है, सिर्फ लड़की का नहीं होता है, लड़के का भी होता है। हाँ ये कह सकते हैं कि लड़की अपना घर छोड़ के वहाँ आई है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके एक नए घर में आई है, और लड़का अपने ही घर में है, तो अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ एक को ही करना पड़ता है। मुझे लगता है कि लड़कों को कुछ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं कॉम्प्रोमाइज की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम बस दोनों मिलाकर चले, हम तो यही चाहते हैं। हाँ। कि हर जगह सब खुशहाल रहे, लेकिन आज से हम अक्सर ये खबर कभी कभी हम पढ़ लेते हैं। देखिए लड़कियों के मारे जाने, वो तो अभी मैं तो नई खबर पढ़ रहा था, पति को पत्नी ने बोला कि मुझे जिम जाना है, अब वो बेचारे ने भेज दिया, अब जिम ट्रेनर से उसको प्यार हो गया, अपने पति को एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया, अब वो बेचारा बच गया भी, वो बच भी गया तो घर के दरवाजे खोल करके और अंदर गनर बुलवा के मरवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी हैं जिसमें कि ऐसा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में भी होता है, ऐसा शादी के बाद पति पत्नी में भी हो जाता है कि वो इस तरीके की घटनाएँ भी होती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि फिर भी वही चीज़ दोबारा से कि देखो